आयकर की कई धाराओं में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब इनकम टैक्स अधिकारी को फर्जी बिल, गैर मौजूदा विक्रेता, सर्कुलर ट्रेडिंग आदि के कारण कर चोरी के मामलों में बैंक खाते और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा भी जीएसटी में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिससे व्यापारी वर्ग खासा नाराज है। इन सभी मुद्दों को लेकर बुधवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगामी 26 फरवरी को बंद का आह्वान किया है। ये बंद पूरे भारत में किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी ट्रेडर्स के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में दी। 26 तारीख को जो बंद का असर की जो आप बात कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि लगभग 60 से 70% व्यापारी अपना व्यापार को बंद रखेंगे। और आज व्यापारी प्रथम बार खुद के लिए बंद कर रहा है, क्योंकि उसके जीएसटी का जो सिस्टम बनाया है उसको लेकर उसकी समस्या। आप क्या अपील करते हैं आम जनता? हमारा अपील यही है कि हमारा जो बंद है वो शांतिपूर्ण रहेगा, हमारा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। व्यापारी अपनी स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ने जो नया जीएसटी में जो अमेंडमेंट किए हैं, जो नए नए कानून बनाए हैं, उसका सरलीकरण हम लोग चाहते हैं कि वो इतना ईजी हो कि व्यापारी को दिक्कत ना आए और उनके ऊपर कोई भी आईपीसी की धारा सेक्शन ना आए। जीएसटी में जो जटिलताएं हैं कानून में, उसको सहज और सरल करने के लिए और जो ई कॉमर्स का विरोध है उसके संदर्भ में ये अखिल भारतीय बंद कैट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसमें व्यापारियों की मांग सिंपल सी ये है कि जीएसटी कानून, क्योंकि सरकार स्वयं अभी तक पूर्णता उसको नहीं समझ पाई है और 4 साल में लगभग 950 संशोधन सरकार ने किए हैं, तो वो सब जायज है। लेकिन व्यापारी यदि रिटर्न भरने में कोई एक त्रुटि कर देता है तो उसके खाते सील हो जाएंगे, उसका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इस तरह की जो जटिलता है, व्यापारी जीएसटी भरने के विरोध में कतई नहीं है, कभी ना था ना है और ना होगा। लेकिन जो उसका कानून है, उसकी प्रक्रिया है, उसको सरल किया जाए, बस ये हमारी। निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान का बंद है, न केवल मध्य प्रदेश ना राजधानी। हर दिन नए नए प्रावधान और वो भी स्ट्रिक्ट प्रावधान जो आ रहे हैं, उससे व्यापारियों में कहीं ना कहीं असंतोष तो है ही, और साथ ही महिलाओं के व्यापार व्यवसाय से जुड़े होने के कारण ये सारी चीज़ बहुत जटिलता के साथ बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, जिसमें हम सरकार से ये चाहते हैं कि जब व्यापारी एक टैक्स कलेक्टर के रूप में व्यापार के जगत में जाना जाता है और सरकार को रेवेन्यू भी कलेक्ट करके देता है, तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। तो इस तरह की रिलैक्सिंग पॉलिसीज बनाए गवर्नमेंट, जिससे कि व्यापारियों को अपने व्यापार करने में अधिक से अधिक सुविधा हो। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।